ओलंपिक में जीतने के कुछ दिन बाद ही एथलीट ने अपना ओलंपिक मेडल बेच दिया। इसकी वजह जानेंगे आप तो हैरान हो जाएंगे। टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली एक महिला एथलीट ने उसे चंद रोज बाद नीलाम कर दिया। महिला ने जैवलिन थ्रो में इस मेडल को जीता था। हालांकि उनका नाम मेडल नीलाम करने का ये फैसला हैरान करने वाला ज़रूर है, लेकिन इसके पीछे की वजह दिल जीतने वाली है। जाहिर है ओलंपिक में मेडल जीतना हर खिलाड़ी का सपना होता है, लेकिन कुछ लोग का ये सपना सच भी होता है। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में भी कई एथलीटों ने अपने इसी सपने को साकार किया। पोलैंड की जैवलिन थ्रोअर मारिया आंद्रेजक भी उनमें से एक हैं। कैंसर से उबरकर 25 वर्षीय मारिया आंद्रेजक ने टोक्यो ओलंपिक के जैवलिन थ्रो इवेंट का सिल्वर मेडल अपने नाम किया, लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर उन्होंने अपने इस पहले मेडल ओलंपिक मेडल को नीलाम कर दिया। मारिया ने एक बच्चे के इलाज के खातिर फंड जुटाने के लिए ओलंपिक मेडल को ऑनलाइन नीलाम किया है। इससे उन्होंने बड़ी धनराशि जुटाई जो पोलैंड के 8 महीने के बच्चे मिलोश मलिसा के इलाज में खर्च होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिलोश को दिल की गंभीर बीमारी है और इसका इलाज अमेरिका के एक अस्पताल में हो सकता है। बताया गया कि बच्चे के इलाज के लिए करीब 2,86,00,000 रुपए की ज़रूरत है। ऐसे में इसके लिए फंड रेजर चलाया जा रहा है। जब इस बात की खबर मारिया को लगी तो उन्होंने बिना देर किए इस मुहिम को मदद करने का फैसला किया। उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखा कि वो इसके लिए अपनी ओर से मदद के तौर पर ओलंपिक मेडल नीलाम कर रही हैं।